दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑनर के लैपटॉप के बारे में। दोस्तों ये वही ऑनर कंपनी है जो मोबाइल्स बनाती है और मोबाइल इसके बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन आज के रेट में जितनी भी सारी मोबाइल्स की कंपनियां रही हैं वो सारी की सारी कंपनियां लैपटॉप भी बनाने लग गई हैं, चाहे वो रेडमी हो, साउमी हो, ऑनर हो, नोकिया हो, सभी कंपनियों का जो है आज के रेट में लैपटॉप आने लगा है। उसी प्रकार से ऑनर ने अपना लॉन्च किया है लैपटॉप ऑनर मैजिक बुक के नाम से। इसके बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं ऑनर मैजिक बुक एक्स के बारे में। ऑनर मैजिक बुक एक्स 14 और ऑनर मैजिक बुक एक्स 15, ये दो मॉडल जो है अभी फिलहाल अमेजोन पर अवेलेबल हैं और इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये लैपटॉप सिर्फ बना नहीं रही हैं, अपनी जो खास बातें हैं जो मोबाइल में ये लोग दिखाती हैं, अपनी स्पेशलिटी, वो सारी की सारी जो है लैपटॉप के अंदर भी लेकर के आ रहे हैं। और कुछ ना कुछ खास जरूर है औरों से, जो ट्रेडिशनल जो हमारे और लैपटॉप की जो ब्रांड है उनसे थोड़ा सा अलग हट करके जरूर है। वो क्या है उन सब पर हम बात करेंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो इस फैमिली से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक करके इस फैमिली से जुड़ जाएं। यहां पर एक से एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें, हम एक से वीडियोस लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि ये लैपटॉप क्या है। तो सबसे पहले एक्चुअली इसके अंदर हम एक चीज क्लियर कर देते हैं कि इन दो मॉडल्स के अंदर, जैसे ऑनर मैजिक बुक एक्स 15 और एक है ऑनर मैजिक बुक एक्स 14, इन दोनों के अंदर जो है जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो डिस्प्ले का है। 14 के अंदर जो है 14 इंच का डिस्प्ले है और 15 के अंदर 15.6 इंच का डिस्प्ले है। सबसे बड़ा डिफरेंसेस यही है। बाकी बॉडीज में और फीचर्स में क्या डिफरेंसेस आएंगे हम उसको वन बाई वन करके समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनर मैजिक एक्स 14 के बारे में, जिसके अंदर जो डिस्प्ले मिलेगा वो मिलेगा आपको जो है 14 इंच फुल व्यू आईपीएस एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में आपको मिलेगा। ये आईपीएस पैनल के साथ आपको मिल रहा है, यानी कि व्यूइंग एंगल भी आपको जबरदस्त मिलने वाला है। लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ में आता है और फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, यानी कि इसकी जो विजिबिलिटी है वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। जैसे ये लोग मोबाइल के अंदर दिखाते हैं विजिबिलिटी में, डिस्प्ले में कमाल के डिस्प्ले होते हैं इनके, उसी प्रकार लैपटॉप के अंदर भी कमाल का डिस्प्ले ये आपका आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आई कंफर्ट मोड भी है, जिससे आप नाइट वगैरह में काम करते हैं तो आपके आई को कंफर्ट देगा बहुत ही बेहतरीन। ये डिस्प्ले में खास बात है, बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर डिस्प्ले लेकर के आए हुए हैं। और कुछ और भी खास है, क्या-क्या खास है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इंटेल के 10th जनरेशन के साथ में ये लोग निकाले हुए हैं। अभी फिलहाल 11th जनरेशन होता तो और मजा आता, 11th जनरेशन से जो है इनको स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी जो अवेलेबिलिटी है वो 10th जनरेशन के साथ में है। 10110U के साथ में, यानी कि 10110U प्रोसेसर के साथ में ये आ रहा है, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2.1 गीगाहर्ट्ज़ है और बूस्ट करने के बाद 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक लेकर के जा सकते हैं। यानी कि वैसे भी ये जो प्रोसेसर रहा है पिछले किसी भी कंपनी के मॉडल्स में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है, जिस हिसाब से यह है। और इसका जो है और 2 कोर एंड 4 थ्रेड्स का यह जो है प्रोसेसर है, जो कि अपने आप में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। और मेमोरी स्टोरेज की बात करें तो 8GB रैम इसके अंदर मिल रहा है और M.2 NVMe SSD 256GB के साथ में आ रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है 8GB रैम के साथ में NVMe SSD के साथ में, यह कॉम्बिनेशन बहुत ही फिट बैठता है और ही बेहतरीन वर्क आपको करके देता है। उसके बाद जो है विंडोज 10 होम के साथ में आएगा और बिल्कुल फ्री अपग्रेडेशन विंडोज 11 के लिए आपको जो है इसके अंदर मिलने वाला है। और अब हम बात करते हैं इसकी डिजाइनिंग की, जो बिल्कुल खास है इसके अंदर, इस लैपटॉप को बहुत ही अलग बना देता है दूसरों से। क्या है इसके अंदर हम इस पर बात करें तो यह पूरी की पूरी एल्यूमिनियम बॉडी है और थिन, बहुत ही ज्यादा थिन है, 15.9mm की थिन है, यानी कि मोबाइल को थिन बनाते बनाते ये लैपटॉप के अंदर भी आ गए इसको बिल्कुल भी थिन बनाने के लिए। अभी तक जो कंपनियां थी उनसे बहुत ही ज्यादा इनका लैपटॉप थिन है, ये लोग आकर के मोबाइल से इसके अंदर भी, यानी कि अगर आपको बहुत ही स्लिक सा लैपटॉप चाहिए, खूबसूरत सा लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप रखने के शौकीन है, प्यारा सा लैपटॉप रखने के शौकीन है, तो आपके लिए ऑनर हो सकता है। ये
क्योंकि इन हैंड जो फील इसका आएगा वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, क्योंकि एल्युमिनियम बॉडी के साथ में है, जिसकी वजह से बहुत ही एक इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको महसूस होगी हाथ में रखने के लिए, और एक प्रीमियम क्वालिटी भी होगा। और 4.8 mm का नैरो वेजल के साथ में आ रहा है, यानी कि आप थ्री साइड जो वेजल है ना वो भी बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कुल मिलाजुला करके ये इतना खूबसूरत होगा कि इससे आपको प्यार हो जाएगा, इसके मॉडल से आपको प्यार होने वाला है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत मॉडल ये ऑनर लेकर के आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही लाइट वेट है, मात्र ये 1.38 kg है, यानी कि इस मॉडल के अंदर बहुत ही लाइट वेट है। जिस स्क्रीन साइज की अगर हम बात करें 15.6 इंच के अंदर इतना कम वेट और किसी में नहीं मिलेगा एल्युमिनियम बॉडी के हिसाब से। तो कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन वाकई में जो इसका लुक्स है वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जिन लोगों के हाथ में ये आएगा उन्हें इससे प्यार होने वाला है। और दूसरी चीज, जो इसका पावर बटन है उसी पर फिंगरप्रिंट है, तो यानी कि डबल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। फिंगरप्रिंट जब रीड करा देंगे तो उसके बाद जो जब रीड करेगा तो ये ओपन होगा, जबरदस्त फीचर इसके अंदर मिला हुआ है। उसके बाद जो है इसके अंदर अगर ऑनर का ही मोबाइल है तो बिल्कुल सिंगल टच से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से फाइल की शेयरिंग वगैरह करने में आपको बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। यानी ऑनर का मोबाइल है और ऑनर का लैपटॉप है तो फाइल शेयरिंग में बहुत ही जबरदस्त आपका हेल्प होने वाला है, मल्टी स्क्रीन इसके अंदर मिल जाती है। बाकी कीबोर्ड की बात करें तो बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, जो कि डार्क सिचुएशन में भी आपको टाइप करने में बहुत ही जो है आपको कंफर्ट देने वाला है। तो कीबोर्ड भी बहुत ही जबरदस्त है, बस नंबर की इसके साथ में नहीं आता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन नंबर्स की जो है अब धीरे धीरे सारी कंपनियां बंद कर रही हैं, तो उसके अलावा बाकी सारे फीचर कमाल के हैं, गजब के हैं। बाकी कैमरा जो कि और भी इसको स्पेशल बना देता है, 720p का ही कैमरा है, लेकिन वो जो है पॉपअप कैमरा है, हिडन कैमरा है। सेंटर में आप देखेंगे एक बटन मिलेगी, जिसको प्रेस करेंगे तो कैमरा बाहर निकल करके आएगा और उससे आप वीडियो कॉल वगैरह करेंगे, फिर उसको प्रेस कर देंगे नीचे चला जाएगा। कीबोर्ड के अंदर ही फिट किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही यूनिक इस मॉडल को बनाता है, जो कि बहुत ही आपको एक अच्छा सिक्योरिटी प्रदान करता है हिडन होकर के, जिससे बहुत ही बेहतरीन ये जो है आपको अलग होकर के नजर आएगा। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में हैं तो इसका कैमरा ओपन करके दिखाएंगे तो बड़ा ही अलग सा ये मॉडल आपको दिखने वाला है। कुल मिलाजुला करके बहुत ही यूनिक फीचर के साथ में यूनिक मॉडल लेकर के आया है ऑनर ने। उसके बाद पोर्ट्स की बात करें तो 3.5 mm का कॉम्बो जैक आपको मिलता है, और उसके बाद जो है USB टाइप सी एक मिल रहा है, USB 3.0 Gen 1 का टाइप ए आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और USB 2.0 टाइप ए भी जो है आपको एक देखने को मिलेगा, HDMI एक मिलेगा, यानी USB पोर्ट मात्र दो ही है। पोर्ट्स वगैरह थोड़े से कम है, चूंकि अब धीरे धीरे जितने भी मॉडल्स हैं जो स्लिम्स बनाने लगे हैं, बिल्कुल स्लिम लैपटॉप बनाने लगे हैं, वो सभी लोग पोर्ट्स कम करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो नॉर्मल जरूरत की जो चीजें हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लैपटॉप बहुत ही खूबसूरत आपके लिए हो सकता है। वाईफाई की बात करें तो वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5 मिल रहा है, जो कि सभी डिवाइसेस को ये सपोर्ट करने वाला है, ये भी इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन स्पेक्स में आ रहा है। बाकी कलर्स की बात करें तो इसके अंदर जो है स्पेस ग्रे आपको मिलने वाला है, और मेस्टिक सिल्वर इसके अंदर दो कलर्स मिलने वाला है, जो अमेजोन पर मिल जाएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जो है वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये इसका डिटेल्स था कुल मिला जुला करके लास्ट में, ओवरऑल ये लैपटॉप कैसा हो सकता है, किनको लेना चाहिए, अगर हम उस पर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको ऑफिशियल वर्क करना है, आपको बाहर आने जाने का काम है, आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर गर्ल्स को अगर लेना है, तो ये वाकई में इतना बेहतरीन इतना खूबसूरत लैपटॉप हो सकता है जिसको आप बाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ये लैपटॉप हो सकता है, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल वेजल लेस है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, ये बहुत ही थिन एंड लाइट वेट है, 1.38 kg का वेट है, जो कि बहुत कम होता है इस साइज के अंदर, और इसके अलावा कैमरा वाकई में इसको बहुत ही खास बनाता है। तो दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन ऑनर के मैजिक बुक के बारे में। इसके अलावा जो दूसरा मॉडल है सब कुछ वही होगा, बस डिस्प्ले 15.6 इंच का हो जाएगा और बाकी सारी की सारी फैसिलिटीज वही होंगी, मैं उसका भी लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। और जो दूसरा इनका मॉडल है ऑनर मैजिक बुक X14 के अंदर ही i5 10th जनरेशन के साथ में भी है, बस उसके अंदर प्रोसेसर आपको जो है दूसरा देखने को मिल जाएगा, यानी कि i5
10210U के साथ में आपको मिलेगा, और ये जो है i5 के साथ अगर आपको चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल प्राइस की अगर हम बात करें तो जो बाकी के जो मॉडल हैं यानी कि i3 10th जनरेशन के साथ में वो 38,000-39,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे अभी फिलहाल जो मेरे सामने मिल रहे हैं, और बाकी जो i5 के साथ में अभी फिलहाल जो है मेरे सामने 47,000 रुपए का दिख रहा है। तो इस प्राइस के अंदर जो यूनिक सा लैपटॉप अगर आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं, कोई सा भी, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।